हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज है डे 48 डेली फार्मा एमसीक्यू सी क्यू सीरीज़ का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है द अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसंटीग्रेशन टेस्ट इज तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अप्रेटर्स में जो स्टेनलेस स्टील मैश होता है उसका अपर्चर साइज कितना होता है तो इसमें जो अपर्चर साइज होता है वो होता है टू प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम तो ये इसका अपर्चर साइज होता है स्टेनलेस स्टील मैश का डिस इंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटर्स में तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है। शेल्स ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेड इलास्टिक बाय एडिंग तो जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनके शेल्स को इलास्टिक बनाया जाता है बाय एडिंग सोर्बिटोल तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपाउंड कैडमम टिंचर टॉर्मूला कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट तो कंपाउंड कैडमम टिंचर फार्मूला होता है उसमें गिवन ऑप्शन में से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं होता है तो ये हमें बताना है तो इसमें कैराबे प्रेजेंट होता है सिनेमन प्रेजेंट होता है लिक्विडाइस प्रेजेंट नहीं होता है एंड ग्लेसरिन भी प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा इसके अलावा लास्ट uh, कुछ दिन पहले हमने एक सिमिलर क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर फार्मूला कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर फार्मूला के इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे तो कंपाउंड बेंजोइन टिंगचर फार्मूला में स्टोरेक्स प्रेजेंट होता है टोलू वालसम अलोए एंड बेंजोइन में उसमें जो एक क्वेश्चन था उसमें भी एक्सेप्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था तो उसमें एक्सेप्ट पूछा गया था तो ये तीन ऑप्शन उसमें प्रेजेंट थे तीनों इन्ग्रीडियंट प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें ग्लिसरीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है इस टाइप से क्वेश्चन था तो वो भी यहाँ पे मीन्स दोनों सिमिलर हैं तो अल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोलिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी के रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सोलबल uh, होता है ग्लिसरोल एंड शुगर सोल्यूशंस में एंड इन सोलबल होता है अल्कोहल में एंड ये फ्रीली सोलबल नहीं होता है वाटर में तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एन ए सी एल इज यूज टू मैन्युफैक्चर तो एन ए सी एल दैट इज सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन्हें यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपो इज द सिननम फोर तो हाइपो टर्म जो है वो किसके लिए यूज की जाती है तो जो हाइपो टर्म है वो सोडियम थायोसल्फेट के लिए यूज की जाती है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसके अलावा सिनेम्स के ऊपर काफ़ी अदर क्वेश्चन आते हैं जिसमें रोशल सोल्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है रोशल सोल्ट का अनदर नेम तो रोशल सोल्ट को कहा जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशन सोल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, देन इसके अलावा इम्पोर्टेंट होता है टार्टर एमेटिक तो टार्टर एमेटिक को कहा जाता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट देन इसके अलावा बेकिंग सोडा कोस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है देन आता है कॉस्टिक सोडा तो कॉस्टिक सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड है वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग सोडा हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट तो ये डिफरेंट सीनेम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली तो यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरिनेटेड लाइम शुड कंटेन क्लोरिन परसेंट वेट बाई वेट तो क्लोर क्लोरिनेटेड लाइम में कितना परसेंट क्लोरिन होना चाहिए उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज हमें बतानी है तो क्लोरिनेटेड लाइम में अराउंड थर्टी परसेंट जो है वो क्लोरिन प्रेजेंट होता है थर्टी परसेंट वेट बाय वेट क्लोरिन जो है वो प्रेजेंट रहता है इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के लिए रिंगर सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन में कितना लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसमें टू पॉइंट फोर एम एल जो है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन में देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन हैज तो क्लोरोक्विन में क्या कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है तो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है एंड इसमें एक क्यूनोलिन रिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एंड क्लोरोक्विन की कैटेगरी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है तो क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल कैटेगरी में फोर अमाइनो अमाइनोक्नोलिन कैटेगरी में आता है फोर अमाइनो अमाइनोक्नोलिन कैटेगरी का एक ड्रग है एंड इसके अलावा कैटेगरी में ही एंटी मलेरियल ड्रग्स की कैटेगरी में एक और क्वेश्चन आता है प्रीमाक्इन के रिगार्डिंग प्रीमाक्इन के रिगार्डिंग तो प्रीमाक्विन जो है वो एट अमाइनो अमाइनोकीनोलिन है एट अमाइनो अमाइनोक्नोलिन डेरिवेटिव है तो क्लोरोक्विन एंड प्रीमाक्इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ़ एलम इज़ यूज एज तो एलम का स्ट्रोंग सोल्यूशन किस तरह यूज़ किया जाता है उसका यूज़ क्या है तो एलम के सिनम के बारे में बात करें तो एलम को कहा जाता है पोटेशियम एलुमिनियम सिलिकेट पोटेशियम एलुमिनियम सिलिकेट एलम का अनदर नेम है एंड एलम का अगर हम फार्मूला की बात करी जाए तो एलम का फार्मूला होता है के ए एल एस सो फोर होल ट्विस्ट डोट ट्वेल्व एच टू बारह वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें तो ये इसका फॉर्मूला होता है एंड uh, इसका जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है उसे यूज़ किया जाता है एज अ स्टिप्टिक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टिप्टिक टर्म की बात करी जाए तो स्टिप्टिक हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं ठीक है जहां पे भी घाव हुआ होता है वहां हुआ होता है तो वहां पे अप्लाई किया जाता है एंड जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है तो ऐसे सब्सटेंसेस को स्टिप्टिक कहा जाता है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का द शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसका जो शोल्डर होता है वो किस कलर से पेंट किया जाता है तो शोल्डर्स ऑक्सीजन सिलेंडर के पेंट होते हैं व्हाइट कलर से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एंड यहीं पे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बॉडी की बात की जाएगी तो बॉडी जो है वो ब्लैक कलर से पेंट की जाती है देन इसके अलावा अनदर गैसेस के बारे में बात करते हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर तो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के जो शोल्डर एंड बॉडी होती है वो दोनों ही ब्लू कलर से पेंटेड रहती है देन नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल एक साइक्लोप्रोप तो साइक्लोप्रोपो बॉडी है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रे कलर से पेंट रहती है एंड जो हमारा नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है वो ब्लैक कलर से पेंटेड रहती है तो so, ऑक्सीजन सिलेंडर या जो भी डिफरेंट गैस सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर वो हमने डिस्कस कर लिए सो so, इस वीडियो के टेन क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं सो uh, so, इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको गूगल ड्राइव लिंक पे मिल जाएगी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पेज पे भी डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच